हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए इडियोमेट्री का बात करते हैं। इडियोमेट्री, जैसे ही कहा जाए इडियोमेट्री तो ये समझना है जहां पे गैस के रिएक्शन से रिलेटेड बात किया जाए, एनालिसिस ऑफ गैसियस रिएक्शन। क्या कह सकते हैं दूसरा नाम? एनालिसिस ऑफ गैसियस रिएक्शन, हम लोग उसका ही बात करते हैं इडियोमेट्री में। तो डायरेक्ट एक प्रॉब्लम लेकर के बात कर लेते हैं। जो इडियोमेट्री जो है, तो इडियोमेट्री में सबसे पहले यूं समझिए, जो ये जो है एक इडियोमेट्री ट्यूब है। इसका अलग अलग शेप होता है और इसमें हम क्या कर दिए, तो गैसियस हाइड्रोकार्बन लेंगे या कोई और कंपाउंड ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? गैस। और ऑक्सीजन ले लीजिए एक्सेस अमाउंट में, पर्याप्त अमाउंट में, और फिर इसको जला दीजिए। अब ये मत कहिएगा जो सर जी कैसे जलाएंगे, वे एक अलग प्रोसीड्योर है, लेकिन जहां कहीं भी गैस हो और ऑक्सीजन हो और वहां हम बर्न कर देंगे, आग लगा देंगे, तो जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो क्लोज है अभी कंटेनर, तो जलने के बाद यदि हाइड्रोकार्बन है तो ये निश्चित रूप से CO2 का इवोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, और यदि कार्बन है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 और प्लस क्या H2O, ये वेपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इडियोमीटर को कूल करने के लिए छोड़ देंगे, यानी कूलिंग टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे, यानी रिएक्शन करा के आप छोड़ दीजिए, अपने आप जो है सो कूल हो जाएगा। वैसा ही जैसा कि खाना जब हम लोग बना लेते हैं तो चावल को छोड़ देते हैं कि नहीं, कुकर को छोड़ देते हैं कि नहीं, तो कुकर छोड़ देने के बाद क्या होता है, वे जो है धीरे धीरे हीट का फ्लो सराउंडिंग में, यानी हम लोगों को खाना ठंडा हो जाता है। उसी तरह से इडियोमीटर को बर्न होने के बाद उसको छोड़ दीजिए, वे धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे ठंडा, गैस कूलिंग। अब इससे क्या होगा, तो जब आप देखते होंगे कुकर में खाना बनाते हैं तो कुकर के ढक्कन पे आपको वाटर मॉलिक्यूल लटका हुआ मिलता है कि नहीं मिलता है, वैसा ही जैसे ही हम लोग इसको कूल कर देंगे तो आफ्टर कूलिंग जो है यहाँ पे H2O, लेकिन किस फेज में मिलेगा, लिक्विड फेज में मिलेगा। अब लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वे निगलीजेबल। देखिए, दुनिया में कोई भी सबस्टांस है तो उसका वॉल्यूम तो है ही, सबस्टांस है तो, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम गैस के अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए जहां कहीं भी हम इडियोमेट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सॉलिड हो या गैस हो तो उसके वॉल्यूम को क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। क्या कर देना है बाबू? निगलेक्ट कर देना है। ठीक, अब देखिए, जैसे ही हम लोग इडियोमीटर को कूल कर दिए, छोड़ दिए कूलिंग करने के लिए, तो वाटर वेपर तो लिक्विड में चेंज हो गया। अब इसमें क्या क्या संभावना है, तो अब जो है CO2 तो निश्चित रूप से होगी गैस, लेकिन क्या एक्सेस अमाउंट में यदि ऑक्सीजन है तो प्लस अभी भी ऑक्सीजन गैस होगी कि नहीं होगी, हैं? तो ऑक्सीजन और CO2, यदि आप यहाँ पे एटमॉस्फेयर का एयर लेते हैं तो नाइट्रोजन का भी गैस का भी संभावना है। ठीक है, मान लिया जाए, हम ये मानते हैं जो हम प्योर ऑक्सीजन लिए हुए थे,
तो बर्न होने के बाद, कंबसन होने के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ CO2 और O2, ठीक। अब इस दोनों को सेपरेट करना है, तो सोचिए जो कैसे हम सेपरेट करेंगे इस ऑक्सीजन और CO2 को। तो याद रखना पड़ेगा जो NaOH हो या KOH, ये CO2 गैस को एब्जॉर्ब, यानी ये CO2 जो गैस है किसके द्वारा, NaOH के द्वारा एब्जॉर्ब, है ना। या मान लिया जाए पाइरोगैलोल लीजिएगा, पाइरोगैलोल तो ये किस गैस को एब्जॉर्ब करती है, तो ऑक्सीजन को। तो इस तरह से मान लिया जाए आप NaOH डाले या KOH डाले तो CO2 के एब्जॉर्प्शन, यदि पाइरोगैलोल डाल दिए तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो ये एडियोमेट्री एनालिसिस में इतना हम बात करेंगे, इसी को क्या कह दिया गया है, एडियोमेट्री कहा गया है। चलिए अब इस प्रॉब्लम देखिए, थ्योरी तब आप समझिए जो सही सही एप्लीकेशन करते हैं जब आप प्रॉब्लम बना लेते हैं। और आपके साथ क्या दिक्कत है बाबू, थ्योरी में आप लोग बहुत सोचते हैं जो अच्छा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, दूर नहीं भागना है, समझ रहे हैं। तो थ्योरी आप तब समझिए जो मेरा क्लियर है, जब आपसे न्यूमेरिकल बन जाता हो, और यदि न्यूमेरिकल ना बनता हो तो समझे आपको थ्योरी क्लियर नहीं है, केवल बकवास है, ठीक। तो इस तरह से अब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। क्या कहा गया है, 12 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए लेट हाइड्रोकार्बन CXHY है, ठीक। ये कितना ml ले लिया गया है बेटा, 12 ml ले लिया गया है ना। बर्न विथ 50 ml O2 और इसको जलाया गया कितना ml, तो वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन कितना, 50 ml, ठीक, दिखाई पड़ रहा है ना। तो इतना ml लिया गया। अब टोटल वॉल्यूम आप कह सकते हैं जो कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम जो हो गया वे गैस का, गैस में तो दोनों गैस, 62 ml। अब थोड़ा सा बात आप ये समझ लीजिए, यदि आपसे कहा जाए जो इडियोमीटर में बर्न होने के बाद गैस का वॉल्यूम घट जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई चेंज नहीं, तो क्या जवाब दीजिएगा, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें जो वाटर वेपर हुआ वे वाटर वेपर कूलिंग होने के बाद रूम टेम्परेचर पे वे तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो नतीजा क्या होगा, वेपर मॉलिक्यूल तो घट गया, तो इसलिए वॉल्यूम जो है घट जाएगी, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आप गलत जवाब दिए थे, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर वाज इतना ml, यानी कहा गया जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जो है ये कितना हो गया, 32 ml, ये कब बाबू, तो कूलिंग करने के बाद। अब थोड़ा सा सोचिए, जब कूल करेंगे इडियोमीटर में, कंबसन होगा जलाने के बाद, तो निश्चित रूप से CO2 गैस, इसमें तो कोई शंका नहीं, लेकिन ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है, कब, यदि ऑक्सीजन एक्सेस लिया जाए, तो हम ये मान के चलते हैं जो अभी मेरे पास ऑक्सीजन भी है, ठीक। When treated with NaOH, volume contracted to 8 ml, कहा जा रहा है उस इडियोमीटरी ट्यूब में जैसे ही NaOH डाला गया तो वॉल्यूम घट के हो गया 8 ml। अरे ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे देखिए ये CO2 और O2 दोनों को मिला करके कहा गया जो रूम टेम्परेचर पे इतना है, ठीक। तो
अब आखिर ये घट क्यों गया, तो अभी अभी ना आपको याद दिलाए, जो देखिए NaOH यदि आप डालेंगे तो क्या होगा, अब ये CO2 गैस जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब अब ये एब्जॉर्ब हो गया तो कौन बचा हुआ रह गया, तो ऑक्सीजन। तो हम कह देंगे अनयूज्ड गैस, और कौन, ऑक्सीजन कितना ml, तो 8 ml। अब ये आप दिमाग लगाइए जो कितना ml ऑक्सीजन गैस का जो है यूज हुआ है। तो इनिशियली देखिए, इनिशियल जो है हम लोग कितना ml गैस लिए बाबू, इनिशियल वॉल्यूम 50 लिए, अब बचा हुआ कितना है 8, तो कितना यूज हो गया। नहीं ना दिमाग चल रहा है, दिमाग चलाइए, बी किशोर सर के पास पढ़ना होगा तो आपको दिमाग चलाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं हम इसी न्यूमेरिकल बनवाने के लिए फेमस हैं, लेकिन बच्चों को भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को कि नहीं, और लोगों के जैसा नहीं ताली मरवा मरवा करके खुश रखते हैं, समझ गए ना, वो आपसे पैसा तो ऐंठ लिए हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए चलिए देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ O2 यूज यदि कहेंगे तो 50 - 8 यानी कितना हो गया 42 ml, 42 ml इतना यूज हुआ, यानी ये बचा हुआ रह गया था ना। कहा जा रहा है जो व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट इतना, कॉन्ट्रैक्ट घट के इतना हो गया, तो घट के इतना हो गया तो 50 तो पहले था, और घट के इतना हो गया इसका मतलब इतना यूज हो गया। ठीक, चलिए हमको पता करना है मॉलिकुलर फार्मूला, तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मेरा तो जो है करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग ये पता किए जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, वॉल्यूम ऑफ CO2, अच्छा CO2 तो बताया ही नहीं, जो CO2 का कितना वॉल्यूम, चलिए अब पता कर लेते हैं जो CO2 कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बता सकते हैं कोई, तो देखिए ये टोटल वॉल्यूम आपको कितना मिला था, 32 मिला था। ठीक है, और 32 में से आपको जो है 8 ml तो ऑक्सीजन मिल गया, तो इसलिए 32 - 8 यानी कितना 24 ml कौन मिला बाबू, CO2 उस रिएक्शन के दौरान मिला है। अब हमको पता करना है मॉलिकुलर फार्मूला, तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, देखिए CxHy x + y/4O2 x CO2 x CO2 + y/2H2O, ये लिक्विड फेज, ये गैस फेज, ये हाइड्रोकार्बन का कंबसन कराने के लिए एक बैलेंसिंग फार्मूला है। जब ये आप कहिए 1 ml कहिए, 1 mole कहिए, तो ये कितना x + y/4 mlO2, और ये कितना, तो x ml CO2 मिल रहा है। और यदि आपसे हम पूछें ये, तो याद रखिएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम का कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि वे लिक्विड हो गया, नहीं आ रहा था, क्योंकि आप लोगों का चेहरा उतर गया है, यदि आते रहता तो आपका चेहरा बनल रहता है, समझ गए बात को। चलिए देखिए, तो ये 1 ml, अब इस बात को पढ़िए, इस रिएक्शन को पढ़ने का कोशिश कीजिए, 1 ml रिएक्ट कर रहा है इतना MlO2 से, और हमको कितना ml हाइड्रोकार्बन लिया गया, 12 ml, तो हम कह देंगे देयरफॉर 12 ml, तो 12 और x + y/4 इतना ml हो गया।
अब कितना ml CO2 बना, तो हम कहेंगे 1 ml से x ml, तो therefore कितना ml से, 12 ml से, तो 12 x ml हो गया। ठीक, अब देखिए आपको जो है CO2 मिला जो इतना प्रोडक्शन हो रहा है, हाँ इससे पहले आपको कितना याद है, देखिए यहीं पे है सामने में 24 ml CO2 प्रोड्यूस हुआ है, तो हम कह दें ध्यान दीजिए 24 इक्वल टू 12x, तो कह दीजिए x बराबर कितना 2 हो गया, यानी पता चल गया जो कार्बन कितना हाइड्रोकार्बन में जो CX HY है इसमें पता चल गया हमको कार्बन 2। अब सपोज कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि रहता तो जिसमें कार्बन 2 है वे मेरे लिए ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन अब तो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आपको Y भी फाइंड करना होगा। अब Y देखिए बहुत सावधानी से देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे इतना ml ऑक्सीजन तो यूज हुआ है, और आपको इससे पहले यूज ऑक्सीजन ml याद है 42 ml, देखिए तो यूज O2, तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार 12 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू कह दें जो कितना 42, कैसे तो देखिए आप टोटल जो है कितना 50 ml ऑक्सीजन लिए थे, और उसमें से 8 ml क्या हुआ था खर्च हो गया था, यूज हो गया बच गया था, तो बच गया था तो खर्च कितना हुआ 42 ml। अब आप सॉल्यूशन कर दीजिए 12x प्लस 3y इक्वल टू 42, इसीलिए अब 12x बराबर कितना 24, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं 24 प्लस 3y इक्वल टू 42, तो देयरफॉर y बराबर कितना बेटा 6, समझ गया बात को। अब हम लोग फार्मूला कह सकते हैं C2H6, पता चल गया हम लोगों को ये क्या फार्मूला है। आप इस वीडियो को यदि आप नहीं समझे हैं तो दो बार तीन बार क्या करें, आप समझने की कोशिश करें, और यदि आपको इच्छा है जो आप हम बहुत अच्छा से समझाते हैं और पटना में हैं तो आप आ सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं, और नहीं दूसरे जगह हैं तो आप समझने का कोशिश कीजिए, हम टफ टफ प्रॉब्लम का बात करेंगे, और यदि आपको समझ में आया अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा करके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तब तो मज़ा आएगा। चलिए जय हिंद जय भोले।